नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल एलिमेंट। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी अलग है। आज हम जानेंगे कि कैसे सस्ती टिकट्स हम काट सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एयर फेयर जो है काफ़ी सस्ता हो गया है। प्लेन की टिकट्स भी अभी ट्रेन के टिकट्स के मुकाबले काफ़ी चीप हो गई हैं, लेकिन जब आप बुक करने जाते हैं तो कभी कभी टिकट्स के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू कोशिश कर सकते हैं कि आपको सस्ते में टिकट मिल जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जल्द से जल्दी बुकिंग करें। अगर आप कहीं जाने वाले हैं, आपको पता है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ये टिकट काट लें। जितनी पहले टिकट काटेंगे आपको सस्ता पड़ेगा, ये गारंटीड है। इससे सस्ता आपको वहीं भी कैसे भी हो सके नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द टिकट काट लें। जितने भी पहले आप काटना चाहते हैं काट लें, अगर आपका फिक्स है स्केड्यूल आप काट लें। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि आपका ब्राउज़र जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कंप्यूटर पे अपना एयर फेयर चेक करते हैं, प्राइसेस चेक करते हैं कि कितना फेयर है फ्लाइट का, बॉम्बे टू कोलकाता, दिल्ली से बॉम्बे कितना फ्लाइट है, तो अगर आप एक बार आपने गूगल पे सर्च करी और एक वेबसाइट पे जाके आपने फेयर आज देखा और कल परसों या दो दिन बाद आपने फिर चेक किया, तो मोस्टली ये होता है कि आपको फेयर्स ज़्यादा दिखाएंगे वहाँ पर। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आपके ब्राउज़र में कुकीज़ नाम की डिटेल्स होती हैं, छोटे छोटे फाइल्स होते हैं, वो फाइल्स में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होते हैं इन सब पोर्टल से। अगर आप कोई भी एयरलाइंस टिकट बुक करने वाली पोर्टल पर जाए और वहाँ पर आप सर्च करें कहाँ से कहाँ तक आप जाने वाले हैं, कौन से डेट पर जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हो जाती हैं। और ये रिकॉर्ड हो जाने के बाद जो इनका पोर्टल है जो बुकिंग करते हैं ये लोग, इनके एंड से ऐसा है कि ये इन इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। अगले बार जब आप आते हैं तो ये टिकट फेयर्स अपने आप ज़्यादा दिखाएंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसको हैंडल करने का तरीका यही है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हो, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड पे जा सकते हो, जिसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। क्रोम ब्राउजर में जैसे इनकॉग्निटो मोड में है, वहाँ से आप उसको खोल सकते हो, वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हो ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है, और ये सेफ रहे। और ये आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको छोड़ के आप ब्राउज़र अगर यूज़ करना चाहते हैं नॉर्मल मोड में, तो आपको सारी कुकीज़ को क्लीन करनी होगी, नहीं तो आप वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र से आप खोलें या किसी और कंप्यूटर से आप इसको एक्सेस करें। सो तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर आप जाना चाहते हैं कहीं आपका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, तो आप फ्लाइट कंपैरिजन वेबसाइट्स का यूज़ करें, जिसमें आपको एक ही वेबसाइट में अलग अलग वेबसाइट्स के फ़्लाइट्स के रेट्स आपको बता दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली टू बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो दिल्ली टू बॉम्बे कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिनका मैं नाम बताऊंगा, अगर आप वहाँ डालते हैं तो वो वेबसाइट क्या करेगी कि दूसरे वेबसाइट्स पे कितने फेयर चल रहे हैं वो लिस्ट आउट कर देगा आपको। तो वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना चीप किस वेबसाइट पर चल रहा है, और जहाँ पर आपको सस्ते में मिल रहा हो आप ले सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ जिसका नाम है स्काई स्कैनर, कयाक, मोंडो, ये सारी वेबसाइट्स हैं। यहाँ आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बुकिंग कर सकते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी बुकिंग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आप अलग अलग एयरलाइंस की टिकट बुक करें। यह हम सभी लोगों को पता है कि अगर आप रिटर्न जर्नी अगर आप करते हैं तो रिटर्न जर्नी में थोड़े चीप मिलता है टिकट्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न जर्नी सेम फ्लाइट्स पे ही करनी पड़ेगी। ये आप अलग अलग फ्लाइट्स पे भी कर सकते हैं, और अलग अलग फ्लाइट्स करने पे भी आपको एक अच्छा डील, अच्छा ऑफर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फ्लाइट से अगर आपका आना और जाना दोनों का अगर आप टिकट बुक करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें आपको सस्ती टिकट्स मिलेंगी।
तो आप अलग अलग फ्लाइट्स पे भी जा सकते हैं और आ सकते हैं, इसमें भी आपको टिकट सस्ते मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पांचवा पॉइंट ये है कि आप टिकट को वीकेंड में बुक ना करें। वीकेंड में सर्वे किया गया है अलग अलग कंपनीज के तरफ से, ये बताते हैं कि वीकेंड्स में अगर आप टिकट बुक करते हैं तो प्राइसेस काफ़ी हाई रहती है, और शुक्रवार से स्टार्ट होता है और ये मंडे तक रहता है या फिर ट्यूसडे तक। सो बेस्ट टाइम आपको है, अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं उन वीक, आप आइदर वेडनेसडे या थर्सडे को टिकट्स बुक करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सस्ते टिकट्स मिल जाएंगे। लास्ट और छठा टिप है कि आप एयरलाइंस की वेबसाइट पे भी जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी समय होता है कि आप मेक माई ट्रिप या गो आई वीवो में आपने क्या, आपने अपना सोर्स और डेस्टिनेशन डाला, डेट्स वगैरह डाले और आपने सर्च किया कौन कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल है और कितने कितने बजे है और कितने क्या फेयर है उनका आपने देखा, लेकिन जब आप उसको फाइनल चेकआउट करते हैं, पेमेंट के समय जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अचानक से एक ऑप्शन आ जाता है या फिर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है कि अनफॉर्चुनेटली फेयर हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये जो फेयर इंक्रीज होता है अचानक अपने आप, ये फेयर होता है कि आप फाइनल बिल तक जाते जाते ये अपने सर्विस चार्जेस भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। उस केसेस में ये बेस्ट तरीका है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने एयरलाइंस का वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं और एयरलाइंस की वेबसाइट पे विज़िट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको फ्लाइट्स कब, कहाँ, कितने बजे और किस रेट में मिल रही है, क्या प्राइसेस है, क्या फेयर्स है। तो ये थे सारे ऑप्शंस जिसके थ्रू आप कोशिश करें, और आशा करता हूँ कि आपको इससे कोई हेल्प मिली होगी जिससे आप अपना एयर फेयर कम कर सकते हैं, सस्ती टिकट्स ले सकते हैं। सो इस बार इतना ही, अगली बार मैं आऊँगा नए वीडियो लेके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।